रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान नस्ली या फिरका वाराना इम्तियाज के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उलमा मशाइख के वक्त से गुफ्तगू। उलमा कराम की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फिरका वारियत की मजम्मत। मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए रियासती और सिक्योरिटी फोर्सेज की अनथक कोशिशों के लिए भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म। आर्मी चीफ का उलमा मशाइख से गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की तशहीर रोकने और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर। इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराहकुन प्रोपेगेंडा के खात्मे के लिए मजहबी उलमा का फतवा। पैगाम पाकिस्तान को सराहा। उलमा मशाइख की गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्कियों की वतन वापसी, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम की हिमायत। गजा के निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम पर गमो गुस्से का इजहार। सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतनी है। मसला सिर्फ इतना भाई कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला तो पीपल्स पार्टी से हो रहा है, एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं। अगर ऐसे ही जिससे हम ये तकसीम की सियासत, ये नफरत की सियासत, ये गालम गलोच की सियासत को पीछे छोड़ के नए रवायते कायम करे, नए अंदाज में इस मुल्क को हमने आगे लेके चलना है। सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे, सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम उठाएंगे। जियाले मेरा साथ दें तो देखता हूं कैसे कोई इलेक्शन जीतेगा। कारकुन साथ हो तो पीपल्स पार्टी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मतदान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। पुराने सियासतदान माजी में जीते हैं, वो न आज का सोचते हैं न मुस्तकबिल का। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी को इख्तदार दिलाएं, हम अवामी राज कायम करेंगे। शहीद भुट्टो ने किसानों को जमीनों का मालिक बनाया। आसिफ जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त दी। 18वीं तरमीम के जरिए NFC अवार्ड लाया और अवाम को वसाइल का मालिक बनाया। इस वक्त मुल्क मुश्किलात का शिकार है। मौसमी बहरान की वजह से तारीखी सतह पर महंगाई और गुर्बत है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब से सीटें लेना है तो नून लीग मुखालिफ बयानियां चलाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे हक में बात करेंगे तो दो वोट भी नहीं पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की सियासी मजबूरी को समझते हैं। हमने माजी की गलतियों से सबक सीखा है, माजी की गलतियों को भुलाना नहीं चाहिए लेकिन असीर भी नहीं रहना चाहिए। साबिक वजीर दाखला राना सनाउल्ला कहते हैं सियासत में मामलात एतमाद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन का हिस्सा है। कराची में नवाज शरीफ का वोट बैंक है, MQM से मिलकर इलेक्शन लड़े तो फायदा होगा। बलोचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट करना पड़ी तो करेंगे। पंजाब में 1500 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं। 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की, हमने जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की। मजहब से आजाद कर दो, सियासत मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, रियासत और मजहब का कोई ताल्लुक नहीं। तो जब मैंने कहा था कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे यकीन था, मैं अपनी बात पे डटा रहा। आज फिलिस्तीनी मैदान जंग में है, वो हालत जंग में है और इस्लामी दुनिया में सिवाय अल्फाज की हिमायत के कोई चीज उनके पल्ले नहीं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार किया जा रहा है। पाकिस्तान का मुआशी बहरान का शिकार होना कोई हादसा नहीं, इतनी मुआशी तबाही हादसे से नहीं मंसूबा बंदी से होती है। कश्मीर को तकसीम और इसराइल को तस्लीम करने का भी मंसूबा बनाया गया। मुल्की मुआशी तबाही के सिर्फ चेयरमैन PTI नहीं, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले भी मुजरिम है। इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर आलमी दबाव है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में खिताब, कहा हमने उन क़वतों का मुकाबला किया और वतन को बचाया। इनकलाब वतन के लिए नई राहें तलाश करना होंगी, नए जाविये के साथ नए मुस्तकबिल को तराशना होगा। एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को ताकतवर बनाना चाहती है मगर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। कौन सी क़वतें हैं जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लड़वाना चाहती हैं? हमें आलमी साजिशों के खिलाफ डटना होगा। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है लेकिन इस्लामी रियासत नहीं। मजहब का नाम लिया जाता है तो उसे दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला वफाकी हुकूमत ने भी चैलेंज कर दिया। वजारत दिफा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का
सुप्रीम कोर्ट से रुजू, फैसला कलदम करार देने की इस्तदा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की कलदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। मौके पे क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। दफात कलदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं था। बेंच का कायम कानून के मुताबिक ना होने से फैसला भी गैर मौसर है। इससे कबल सिंध हुकूमत और 14 फॉरम बलोचिस्तान ने भी अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायदीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के फैसले को कलदम करार दिया। इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, प्लीज इसका इज्जत रखें। एक आदमी को सादिया इसका इज्जत रखें प्लीज, ऐसे बात कैसे करेंगे आप? जफर साहब को पहले एक कोई बैठेगा तो कोई बात करने का बात करे, एक बंदा बात करेगा पूरा हाउस बात करेगा। बैठ रहे, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, बिजनजो साहब तशरीफ रखें, रूल्स ऑफ प्रिविलेज के चेयरमैन तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें आप भी। टू मीट अगेन ऑन मंडे November 2023 at 3 PM। फौजी अदालतों से मुतालिक मंजूर करारदाद पर सेनेट अरकान सरापा एहतजाज, इजलास के दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर अरकान नशस्तों पर खड़े हो गए, शोर शराबा और नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट की अरकान का खामोश रहने की अपीलें बेसुध, सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि सेनेट में फौजी अदालतों के हक में करारदाद जमहूरियत की नफी है, हम जब तक सेनेट से मंजूर होने वाली इस करारदाद के बारे में बात नहीं कर लेते ऐवान नहीं चलने देंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हमने ये करारदाद मंजूर करके एक बुरा काम किया है। सेनेटर जरका का भी करारदाद की मंजूरी पर बात करने पर जोर, शोर शराबे के बाद चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। हादसे में 6 अफराद की मौत से मुतालिक केस में लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म, बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली जिया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर ना आए, हर चौक हर सिग्नल पर पुलिस के नफरी तैनात करें, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, मुआशरे का किसी भी सतह का ड्राइवर हो उसको बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाने दी जाए। वजीर आला पंजाब का सूबे भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म, बगैर लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। ये बिल्कुल रोड एक्सीडेंट नहीं था, ये टारगेट किलिंग है। इनका खून सफेद है, इन्होंने एक मरतबा भी हॉस्पिटल में मेरे घर में तस्दीक के वक्त एक दफा भी किसी ने अफसोस नहीं किया। आपने कोर्ट के अंदर मेरी तस्दीक की है, मुझे जलील किया गया है, और जो मेरी स्टैचू जो डेथ हो गई है इसने पहले उसको हरासा किया। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक जो उनकी सजा बनती है वो उसको दी जाए। 6 अफराद की हलाकत हादसा नहीं टारगेट किलिंग है, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, कानून के मुताबिक जो सजा बनती है वो मुलजिम को मिलनी चाहिए। मुतासरा खानदान के सरबराह रफाकत की लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मेरी हलाक होने वाली बहू को हिरासत करने की कोशिश की गई, बाद में एक कार टकरा कर पूरा खानदान मार डाला, 2 दिन की तफ्तीश से मुतमइन हूं इससे पहले नहीं था। £190 million स्कैंडल केस की अडियाला जेल में समाअत, अदालत ने 21 नवंबर तक जेल में ही तफ्तीश जारी रखने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया, नैब तय करेगा कि अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। उधर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस बगैर कार्रवाई मुलतवी, आइंदा समाअत 21 नवंबर को की जाएगी। बुशरा बीबी, चेयरमैन पीटीआई की बहने और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी जेल पहुँचे। चेयरमैन पीटीआई की जेल में अच्छी रूटीन है, सेहत भी बेहतर है, अलीमा खान का कहना है। डोनाल्ड लू ने जो पैगाम भेजा साबिक वज़ीर आज़म ने बेहतर समझा कि आवाम को बताएं अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका जाकर केस करेंगे। अगर किसी की भुट्टो वाला मामला दोहराने की कोशिश है तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त बदल गया है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीश के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिला, हमने बताया ये काबीना का मुत्तफ़िक़ा फैसला था, एक धेले की करप्शन भी नहीं है,
नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस दाखिल दफ्तर किया, अब बदनीयती से दोबारा खोल दिया है। अगर काबीना का फैसला था तो आप सिर्फ वजीर आजम को सिंगल आउट नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मौसर होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया 10 अगस्त को चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई, नैब ने अब गिरफ्तारी डाल दी। दरख्वास्त जमानत बाद इस गिरफ्तारी मुतल्लिका अदालत में दायर कर सकते हैं। अदालत इस दरख्वास्त पर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत का जायजा नहीं ले सकती। साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में तौसी का हुक्मनामा भी जारी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल कर लिए, चेयरमैन के वकील से आइंदा समात पर जवाबी दलाइल तलब कर लिए गए। जेल भेजा गया तो वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा, नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब मैं भी बोलूंगा। यकम जनवरी से प्रेस क्लब्स के दौरे करूंगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले वो जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो का बयानिया भी बिलावल ने उनसे छीन लिया। चिल्ले से पहले पुलिस ने अदालत में बयान दिया था कि मुझ पर कोई मुकदमा नहीं, जितने भी केसेस में मेरा नाम है अदालत ने तफसील तलब कर ली। लतीफ खोसा, एतजाज अहसन, सलमान अकरम और अब्दुल रजाक को वकालतनामे दे चुका, जेल गया तो वो मेरे मुकदमात लड़ेंगे। एमक्यूएम बिल्कुल फारिग हो चुकी, सहारे तलाश कर रही है। सईद गनी कहते हैं एमक्यूएम की सूरत हाल एक भिखारी जैसी है, दर दर की ठोकरें खा रही है। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल बेबस हैं, उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी खत्म हो रही है, मगर हकीकत में दफन तो एमक्यूएम हो चुकी है। उनकी जमात पीएसपी के नरगे में है, बेबस खालिद मकबूल की कोई नहीं सुनता। पीपल्स पार्टी को बायकॉट की जरूरत नहीं, हमारे टिकट पर कराची के तमाम हलकों से मजबूत उम्मीदवार उतरेंगे। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की मकबूलियत देखकर घबराहट का शिकार हो गई। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के वोटों की खैरात पर विफाकी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद हुसैन खान का कहना है पीपल्स पार्टी के सिर में सारी सियासत लसानियत पर मबनी रही है। पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने 15 साल दौरे इख्तदार में सिंध के खजाने से खरबों रुपए लूट कर जायदादें बनाई, एमक्यूएम कारकुनों को लापता करवाया, झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करवाया। सिंध के शहरी पीपल्स पार्टी के मजालिम नहीं भूले। पीपल्स पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोहम्मद सिलाही के खिलाफ इश्तिहार जारी, 30 रोज के अंदर अदालत पेश होने का हुक्म, समाज का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने रिमार्क दिए कि स्पेन और इंग्लैंड के एड्रेस पर वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई गई मगर पेश नहीं हुए। बैंक अकाउंट्स और जायदाद मुंजमद करने का हुक्म जारी। उधर एफआईए की जानिब से मोहम्मद सिलाही के रेड नोटिस इशू कराने का फैसला, जरा के मुताबिक रेड नोटिस के तहत बजरिया इंटरपोल गिरफ्तार किया जाएगा। महंगाई में होशरुबा इजाफा, एक हफ्ते में महंगाई की शरह 9.95% बढ़ गई। महंगाई की मजमू शरह 41.90% हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गैस की कीमत 480% बढ़ी। चाय की पत्ती, दाल, मसूर, लहसुन, नमक, आटा, आलू, एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हुआ। टमाटर, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, घी, कुकिंग ऑयल सस्ता हो गया। अफगान हुकाम को दहशतगर्दों की फहरिस्त फराहम कर दी। अफगानिस्तान को मतलूब दहशतगर्द हमारे हवाले करने चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तला'आत बलूचिस्तान जाना चुगज़ई कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा योप से मुत्तसल अफगान इलाके में बनाया गया। मंसूबे के तहत चमन धरने में दहशतगर्दी करके इदारों पर इल्ज़ाम लगवाना है। डोजियर अफगानिस्तान को दे दिया मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी, अब गैर कानूनी बाशिंदों को जाना होगा। जनवरी तक तमाम गैर मुल्कियों को वापस भेजेंगे। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 15,533 गैर मुल्कियों को पंजाब से वापस भिजवा दिया गया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेरे सदारत आला सतह का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के सहूलतकारों से कोई रियायत नहीं होगी। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मफरूर मुलजिमान को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा।
तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, निगरान सेटअप में आया, अरसा थोड़ा लंबा हो गया, मुझे अपना काम पूरा करना है और अपने प्रोफेशन में वापस जाना है। निगरान हुकूमत वकला से मोहब्बत करने वाली हुकूमत है।